वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये छोटे छोटे से खूबसूरत फूल बनाना सिखाऊंगी, जो कि जिनकी बेस जो है वो मोतियों से स्टार्ट होती है। तो किसी भी कलर के आप मोती ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट और ब्लैक मोती ली हैं। आप मल्टी कलर के मोती ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो ये जी छोटा सा फूल है, ये मैं आज पांच पत्तियों वाला ये मैं आपको आज बनाना सिखाऊंगी। तो चले आए जी, स्टार्ट करते हैं हम ये फ्लावर बनाना। मैं आपको आज एक मोतियों वाला फूल बनाना सिखाऊंगी। इसके लिए ये मैंने पांच मोती इसके अंदर परो ली हैं। अब इसको इस तरीके से हम यहाँ पे गिरा लगा के बंद कर देंगे। थोड़ा धागा बेशक यहाँ से लंबा खींच लेते हैं। ये इस तरीके से हम गिरा लगाएंगे और इन पांच मोतियों को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। ये जी ये देखें, ये इस तरीके से मोती फिक्स हो गए हैं। अब आगे हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। यहाँ से हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार। अब यहाँ नेक्स्ट जो मोती है वहाँ पे दरमियान में जगह है, वहाँ हम जोड़ देंगे इसको इस तरीके से। फिर हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, ये यहाँ पे जोड़ देंगे। इसी तरीके से हम पांच मोतियों के गिर्द चार चार चैनों से इस तरीके से हम एक बाउंड्री सी बना लेंगे। ये जी हमने पांचों के गिर्द हमने बना ली है बाउंड्री, बना ली है चार चार चैन से। अब ऊपर से हम किस तरह स्टार्ट करेंगे, बग़ैर चैन लिए हम पहला यहाँ पे ये सिंगल स्टिच ले लेंगे। फिर हम बल लेके डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी हाफ डबल क्रोशिया लेंगे, दो हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और फिर हम तीन डबल क्रोशिया लेंगे। ये तीन डबल क्रोशिया हमने ले लिए। फिर उसी तरीके से दो हमने यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया लिए, फिर लास्ट जो है वो हम सिंगल क्रोशिया लेंगे, फिर अगले पे चलेंगे। ये एक पत्ती हमारी मुकम्मल हो गई है, हम अगले पे चले जाएंगे। उसी तरीके से फिर हम पहला हमने बग़ैर बल के ले लिया है, दूसरा हम ये तीनों में से इकट्ठा ही निकाल लेंगे, हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ये। अब तीन हम डबल क्रोशिया लेंगे, फिर उसी तरीके से दो हाफ डबल क्रोशिया लेंगे और एक सिंगल स्टिच लेंगे। एक सिंगल स्टिच, दो हाफ डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया, फिर दो हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया। अगली दो पत्तियां भी हम इसी तरह ही बना रहे हैं। ये जी अब आ गई हमारी लास्ट पत्ती, वो भी उसी तरीके से हम बनाएंगे, एक सिंगल स्टिच, दो डबल क्रोशिया,
हाफ डबल क्रोशिया और तीन डबल क्रोशिया। फिर इधर से हम दो हाफ डबल क्रोशिया, एक सिंगल स्टिच और इसे हम यहाँ पे अटैच कर देंगे और हमारा फूल इस तरीके से हो जाएगा मुकम्मल। ये देखिए यहाँ से हम धागा जो है इसका काट देंगे और इस धागे को इस तरह बैक साइड पे हम इसकी फिनिशिंग कर देंगे। फालतू धागा हम काट देंगे। ये देखें जी हमारा खूबसूरत फूल रेडी हो गया है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच।